नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ब्लाउज के आगे वाले पल्ले में डिजाइन बनाना सिखाएंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारी नेट है, नेट को हम ऊपर की तरफ लगाएंगे और यहाँ पर हमारा अत्तर है, अत्तर हमारा सूती है कॉटन का। और यहाँ पर हमारा जो ब्लाउज है वो चेस्ट 34 इंच का है और यहाँ पर मैंने पीछे वाले पल्ले में डिजाइन बनाई है, तो इसकी वीडियो हम अलग से बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अत्तर की जो बंद साइड है वो हम अपनी तरफ रखेंगे और कपड़े को हमें इस तरह से फोल्ड करके अच्छे से बिछाना है। और यहाँ पर हमारी चेस्ट 34 इंच की है, तो 34 के चौथाई भाग हुए 8.5 इंच, जिसमें हमें 2 इंच का मार्जिन लेना है, ठीक है। और यहाँ पर हमारी ब्लाउज की तैयार लंबाई 13 इंच है, जिसमें हमें 2 इंच का मार्जिन लेना है। तो यहाँ पर हम 15 इंच पर निशान लगाएंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर शोल्डर की चौड़ाई नापेंगे, तो शोल्डर की चौड़ाई हमारी 14 इंच है, तो 14 को आधा करेंगे तो यहाँ पर हमें 7 इंच पर निशान लगाना है। और यहाँ पर हम आरमोल की लंबाई 7 इंच रखेंगे, तो 7 इंच पर हमें निशान लगाना है। 1 इंच की आरमोल की गुलाई करेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर गले की चौड़ाई नापेंगे, तो यहाँ पर हमारा गला बोट नेक में है, तो गले की चौड़ाई हमारी 8 इंच है, तो 8 को आधा करेंगे तो 4 इंच पर निशान लगाना है। और यहाँ से गले की लंबाई नापेंगे, तो गले की लंबाई हम रखेंगे 3.5 इंच, तो 3.5 इंच पर हमें निशान लगाना है। इस तरह से बॉक्स बनाएंगे, फिर देखिए इस तरह से हमें गले की गुलाई कर देनी है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमने गले की गुलाई 2 इंच पर रखी है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 7 इंच रखेंगे, तो 7 इंच पर हमें निशान लगाना है। और इस साइड से 5 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरह से दोनों निशान को मिला देना है तिरछे में। फिर देखिए इस तरह से हमें हल्की सी गुलाई करनी है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। अब हम प्लेट का निशान लगाएंगे, तो लंबाई में हम 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे। फिर हम यहाँ पर 3 इंच पर निशान लगाएंगे और एक सीधी लाइन खींचेंगे। फिर हम दूसरा प्लेट का निशान लगाएंगे, यहाँ पर हमें चौड़ाई में 5 इंच पर निशान लगाना है और यहाँ पर 2.5 इंच का गैप लेंगे और इस तरह से एक सीधी लाइन खींचेंगे। अब हम तीसरा प्लेट का निशान लगाएंगे, यहाँ पर हमें लंबाई में 3 इंच पर निशान लगाना है और 2.5 इंच का गैप लेंगे और इस तरह से दोनों निशान को मिला देंगे। फिर हम चौथा प्लेट का निशान लगाएंगे, यहाँ पर हमें 2.5 इंच का गैप लेना है और इस तरह से तिरछे में लाइन खींचेंगे। तो हमने निशान को लगा लिया है, अब हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने दोनों पार्ट की कटिंग कर ली है। ऊपर वाला पार्ट हमारा नेट में कटेगा, तो यहाँ पर मैंने नेट को लिया है, इसके ऊपर इस तरह से इसके बराबर रखेंगे और कटिंग करेंगे। नीचे से हमें 1 इंच का नेट छोड़ के कटिंग करना है, तो इस तरह से देखिए हमने कटिंग कर लिया है। ध्यान रखना है, नीचे से हमें 1 इंच नेट को छोड़ के ही कटिंग करना है, ठीक है। तो अब हम नीचे वाला पार्ट कटिंग करेंगे, तो कपड़े को हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और जो हमारा पल्ला है तो उसको इस तरह से रखेंगे और इसी के बराबर कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने कटिंग कर लिया है, इसको अच्छे से बिछाएंगे और जो हमने अत्तर में निशान लगाया है तो उसको हम नीचे की तरफ रखेंगे और ऊपर की तरफ हमें 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगानी है। तो देखिए इस तरह से हमने सिलाई को भी लगा लिया है। अब हमें यहाँ पर कट लगा लेंगे और कट हमें इस तरह के लगाने हैं कि जो हमारी सिलाई है वो ना कटे, ठीक है। और कट लगाने के बाद हम इसको इस तरह से अच्छे से सीधा करेंगे। और दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। तो यहाँ पर हमें अच्छे से प्रेस लगा लेनी है और प्रेस लगाने के बाद हमें क्या करना है, पूरे में सिलाई लगा लेनी है। तो हमने सिलाई लगा दी है, अब हम दूसरी तरफ भी प्लेट का निशान लगा लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो ऊपर वाला हमारा पार्ट है उसको लेंगे और यहाँ पर हमें 2 पॉइंट छोड़ते हुए इस तरह से निशान लगाना है गले के ऊपर। तो इसी निशान के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने सिलाई को लगा लिया है
अब हम क्या करेंगे, नीचे वाला पल्ला लेंगे और यहाँ पर जो हमारी नेट है उसको हम सीधा ही रखेंगे और इसके ऊपर पल्ले को रखेंगे। देखिए इस तरह से बिल्कुल एक बराबर, और यहाँ पर नेट और जो पल्ला है दोनों को इस तरह से मिला के सिलाई लगानी है। ठीक है, तो पहले हम आधी साइड में इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं। ध्यान रखना है कि जो हमारा अत्तर है वो ना सिल पाए। देखिए आप लोग देख सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर हमने सिलाई को लगा लिया है और जो हमारा अत्तर है तो उसको हमने नहीं सिला है। अब हम दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेते हैं, पल्ले को एक बराबर रख के इस तरह से। तो इस तरह से हमने दूसरी तरफ भी सिलाई को लगा लिया है। तो अब हम यहाँ पर बचे हुए नेट की कटिंग कर लेते हैं। और यहाँ पर छोटे छोटे कट लगाएंगे। कट हमें इस तरह के लगाने हैं कि जो हमारी सिलाई है वो ना कटे। अब हम यहाँ पर आधा या एक इंच चौड़ी पट्टी की कटिंग करेंगे और यहाँ पर हमें दाब सिलाई लगा लेनी है। तो हमने दाब सिलाई लगा दी है। अब हम इस पट्टी को उल्टी तरफ से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके हमें दाब सिलाई लगानी है। ठीक है, देखिए इस तरह से उल्टी तरफ से पट्टी को फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी है। बची हुई पट्टी की सफाई के साथ कटिंग करेंगे और जो हमारा गला है तो वो देखिए बनकर तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इस पल्ले को बराबर करेंगे सीधी तरफ से। गले को भी हमें बिल्कुल बराबर रखना है और यहाँ पर बी सेंटर पर निशान लगाएंगे, फिर हम पल्ले को सीधा रखेंगे और यहाँ पर 2 इंच पर निशान लगाएंगे। इस साइड में भी हमें 2 इंच पर निशान लगाना है और जो हमारा बीच वाला निशान है तो उनको इस तरह से मिला देंगे तिरछे में। यहाँ पर हमें लेस लगानी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लेस को लिया है, लेस को यहाँ पर हम इस तरह से सिलेंगे। ठीक है, तो बची हुई लेस की हम कटिंग कर देते हैं और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। लेस आप अपने हिसाब से ले सकती हैं, जैसी भी आपको पसंद हो। तो हमने एक तरफ से तिरछे में लेस को सिल लिया है, तो सेम इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी इस तरह से लेस को सिलेंगे। तो यहाँ पर हमने दूसरी तरफ भी लेस को सिल लिया है और जो हमारी बीच वाली नेट है तो उसकी कटिंग कर देंगे इस तरह से। कॉर्नर पर हमें कट लगाने हैं और यहाँ पर जो हम नेट कटिंग कर रहे हैं तो हम इसको उल्टी तरफ से फोल्ड कर देंगे और फोल्ड करके हमें सीधी तरफ से दाब सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमने दाब सिलाई को भी लगा लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारी नीचे की तरफ गोलाई है तो वहाँ पर भी हम इस तरह से लेस को सिल लेते हैं। इस तरह से बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगानी है। ठीक है, तो हमने एक सिलाई को लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ भी सिलाई लगा लेते हैं।
तो हमने नीचे की तरफ भी सिलाई लगा दी है। तो अब हम क्या करेंगे, गले के ऊपर भी इस तरह से लैस को सिल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने देखिए इस तरह से डिजाइन को बना लिया है। देखिए आप लोग देख सकते हैं कितनी सुंदर सी हमारी डिजाइन बनकर तैयार हुई है। अब हम यहाँ पर पलेटें सिल लेते हैं। सबसे पहली वाली प्लेट हमारी 1 इंच चौड़ी सिली जाएगी और जो हमारी बाकी पलेटें हैं तो वो हम 1/2 इंच चौड़ी सिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक तरफ से प्लेटों को सिल लिया है। तो सेम इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी प्लेटों को सिल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने दूसरी तरफ भी प्लेट को सिल लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारी बीच वाली प्लेट है तो उसको सिल लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी बीच वाली प्लेट भी सिल चुकी है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। और नीचे की तरफ भी फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने नीचे से भी फोल्ड करके सिलाई लगा दी है और इस तरह से हमारा जो आगे वाला पल्ला है तो वो बनकर तैयार हो गया। देखिए मैंने आगे की तरफ डिजाइन बनाई है, कितनी सुंदर लग रही है। तो इसी तरीके से आप भी अपने घर पर इस तरह की डिजाइन बना सकती हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक या सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और मैं मिलती अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।